आप देख रहे हैं रादौर टाइम्स भारत, अपना देश अपना चैनल। गांव ठसका की पंचायती भूमि से होकर गुजरने वाली एक बिजली लाइन का गांव ठसका की पंचायत द्वारा गत दिनों विरोध किए जाने के बाद मंगलवार को बिजली निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और पुलिस टीम के नेतृत्व में बिजली निगम ने लाइन के पोल गाड़कर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। गांव खेड़ी लखा सिंह में बीती रात अज्ञात चोरों ने पुलिस चौकी से केवल 50 मीटर की दूरी पर एक जनरल स्टोर में सेंध लगा दी। चोरों ने दुकान से हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। रादौर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है। ऐसे में क्षेत्र में लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। गांव नागल में अंबेडकर भवन की भूमि को कब्जा मुक्त करवाने को लेकर ग्रामीण मंगलवार को एसडीएम रादौर कंवर सिंह व बीडीपीओ रादौर मार्टिना महाजन से मिले। गांव नागल की महिला सरपंच ललतेश काम्बोज के पति दिनेश काम्बोज, डॉक्टर सेवाराम, धर्मपाल, सुशील कुमार, विनोद कुमार आदि के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अधिकारियों को शिकायत देकर अवैध कब्जा हटाने की मांग की। गन्ना उत्पादक किसानों की मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ की ओर से 29 नवंबर को रादौर की काम्बोज धर्मशाला में आयोजित होने वाले किसान महापंचायत का न्योता देने के लिए मंगलवार को भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप सिंह खजूरी की अध्यक्षता में दर्जनों गांवों का दौरा किया। ज्योतिबा फूले राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्टाफ सदस्यों व छात्रों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र रंगा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से मंगलवार को संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सलाहकार धर्म सिंह पिंकी ने की, जबकि कार्यक्रम में राजकीय महाविद्यालय रादौरी के प्राचार्य राजेंद्र कुमार रंगा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। जेएमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में मंगलवार को पीडी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित 70वां संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज में करवाई गई निबंध लेखन व वाद विवाद प्रतियोगिता में छात्रों ने भाग लिया। उकनलाल नेशनल कॉलेज रादौर में एनसीसी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एनसीसी प्रभारी मेजर दीपक कौशिक ने कहा कि एनसीसी देश की युवा शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति कर्मठता पैदा करने का एनसीसी अद्वितीय कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रादौर टाइम्स भारत।